हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका ये कहना है कि सर हम जब यूनिट बना रहे हैं तो यूनिट वाला बनाने के बाद भी यूनिट बना दिया उसके बाद भी यूनिट वाले कॉलम में हमारा कर्सर जाता नहीं है, तो क्या वजह हो सकती है, ये समझते हैं। हालांकि इस पर वीडियोस पहले भी बनाई है मैंने। सबसे पहले तो चलते हैं यहाँ क्रिएट पर, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट हमको बनाना है, तो ये देखिए ये यूनिट दिया हुआ है, ये स्टॉक आइटम दिया हुआ है, दोनों आप यहाँ से बना सकते हैं, लेजर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एक क्रेडिटर पार्टी का पहले लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक क्रेडिटर पार्टी का नाम राम, यहाँ लिख दिया सी यानी क्रेडिटर, यहाँ दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इन सबको एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट हो गया। तो एक तो लेजर बना लिया आपने। अब चलते हैं स्टॉक आइटम बनाते हैं। तो ये स्टॉक आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेते हैं, लाइक मैं कर देता हूँ माउस, एम ओ यू एस ई, माउस कर दिया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पर पहली कंडीशन तो ये आती है कि आप यूनिट ही नहीं बनाते हैं, और जब यूनिट नहीं बनाएंगे तो यहाँ पर ये दिक्कत आएगी। ये हो गया, ये माउस तो आपने बना लिया, ठीक है, यूनिट नहीं बनाया आपने। और अगर दूसरी कंडीशन ये आती है कि यूनिट बनाया, पहले दिखा देता हूँ यूनिट नहीं बनाया तो क्या होगा। ये परचेज वाउचर में आएंगे, यहाँ पर इस तरह से आएंगे, ये आ गए। यहाँ पर कैश में ही परचेजिंग अभी कर लेता हूँ मैं, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर परचेज अकाउंट का एक लेजर बनेगा, ये छूट गया था, यहाँ पे बना लेते हैं अल्ट साथ सी करके परचेज अकाउंट। दोनों तरीकों से आप लेजर बना सकते हैं। ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में। तो ये परचेज अकाउंट हो गया, और एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये परचेज अकाउंट हो गया, ठीक है। अब एक स्टॉक आइटम माउस बनाया था, तो जैसे ही आप माउस लेके आते हैं यहाँ पे, तो कर्सर आपका क्वांटिटी पे नहीं जाता, रेट पे नहीं जाता, सीधा अमाउंट पे चला जाएगा, क्योंकि आपने यूनिट नहीं क्रिएट किया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपने यूनिट क्रिएट किया फिर भी यूनिट नहीं आता है, कारण क्या है उसके पीछे आइए जानते हैं। क्रिएट पे चलते हैं, यहीं से यूनिट बना लेता हूं। हालांकि आप वहां से जाकर के भी परचेज वाउचर में एंट्री पास करते वक्त भी यूनिट बना सकते हैं। यहाँ पे यूनिट पे आए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक यूनिट बना लेता हूँ लाइक एनओएस, एनओएस बोलते हैं नंबर्स को। तो ये कर दिया हमने, और यहाँ पे फॉर्मल नेम इसको दे दिया मैंने नंबर्स, ठीक है, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे एनओएस यूनिट आपको मिल जाती है, और ये हो गया, और एंटर प्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो ये यूनिट तो बन गई। अब एंट्री पास करेंगे, तो अगर यूनिट ना आए तो क्या करें, चलिए दिखाता हूँ। ये हो गया, ये यहाँ पे हो गया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे कैश में कर लेते हैं, और ये आ गए यहाँ पर, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर माउस बनाया था हमने, तो ये माउस ले लिया। अभी भी कर्सर हमारा यूनिट यानी क्वांटिटी वाले कॉलम में नहीं जाता है, प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है। तो अभी आपको क्या करना है, यूनिट बाद में बनाएंगे तो ये दिक्कत आएगी, ठीक है, और भी कुछ परिस्थितियों में ये दिक्कत आ सकती है। तो आप सीधा चले जाइए अल्टर पर, स्टॉक आइटम को आप अपने अल्टर कर लीजिए, ठीक है। ये अल्टर कर लिया आपने, यहां पर आए, अब यहां पर आप यूनिट सेट कर दीजिए। यूनिट सेट नहीं है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, तो ये एनओएस जो बनाया बाद में उसको सेट कर दीजिए, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब एक्सेप्ट हो गया, अब बाहर आ जाइए, वी प्रेस कीजिए। अब देखिए, अब यहां एंट्री पास कीजिए, अब आपका कर्सर यूनिट वाले कॉलम में जाएगा। ये देखिए, ये हो गया, यहाँ पर आ गए, माउस बनाया था हमने, ये ले लिया। तो अभी क्वांटिटी वाले कॉलम में आ गया, और फिर रेट वाले कॉलम में भी आएगा, तो 600 रुपये का एक माउस। तो यहाँ पर देखिए, अब ये एंट्री पास हो जाएगी इजिली। तो आई होप कि इससे कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाएगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती हो तो आप बताइएगा, मैं एनी डेस्क पे लेके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।